उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हमेशा से दावा करती आई है कि योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं निडर होकर खुलेआम घूम सकती हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसने एक बार फिर योगी सरकार के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। आखिर किसका है ऑडियो और क्या है उस ऑडियो में जिससे फिर घिरी बीजेपी, जानने के लिए देखेंगे खास रिपोर्ट। मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आती है, लेकिन समय समय पर उनके झूठे दावों की पोल खुलती रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता दावा करते हैं कि योगी राज में आधी रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं, गहने लादकर स्कूटी पर घूम सकती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शाम के वक्त महिलाएं अकेली थाने ना जाएं। उसी कड़ी में अब एक और महिला मंत्री ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर चर्चा में है, जिसकी वजह है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसमें स्वाति सिंह एक पीड़ित से बात कर रही हैं और साथ ही अपनी पीड़ा भी बता रही हैं। इस बातचीत में स्वाति अपने पति दयाशंकर सिंह पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही हैं। तो क्या योगी सरकार की एक महिला मंत्री भी सुरक्षित नहीं है? महिला बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह के ऑडियो से तो यही बात साबित हो रही है। हालांकि ये एक वायरल ऑडियो है। इस ऑडियो में दो बातें बहुत साफ हैं कि एक तो उनके पति किसी अवस्थी के मकान पर जबरन कब्जा करते हैं, पुलिस भी उनकी मदद करती है, पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती, और दूसरा सच ये है कि खुद मंत्री भी अपने पति के हाथों मजबूर हैं, वो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। यानी योगी राज में बीजेपी के नेता दूसरे के मकान पर कब्जा कर रहे हैं और आम महिलाएं तो दूर, महिला मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब योगी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।